बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम हो गए आप सभी के अनदर वीडियो में। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं पेमेंट गेटवेज के बारे में। आई नो आप लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो इस चीज को लेकर, क्योंकि काफी ज्यादा आप लोग की इंक्वायरीज भी थी कि भाई पेमेंट गेटवे बता दो, पाकिस्तान में मैं बैठा हूं, मैंने यूके में काम करना है, यूएस में काम करना है या किसी भी मुल्क में काम करना है, तो मैं कौन सा पेमेंट गेटवे लगाऊं जिससे मेरे पास पैसे आ जाए, या मैं किसी और कंट्री में बैठा हूं मैंने पेमेंट गेटवे लगाना है, मुझे समझ नहीं आ रही हमारे लिए कौन सा बेस्ट है। तो सारी चीजें आज आपको भाई क्लियर कर देगा। आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, इस वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहना है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी सारी क्वेरीज जो है वो आज सोल्व होने वाली है। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को पहले नंबर पर कर दो लाइक अगर अभी तक नहीं किया हुआ, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, साथ नोटिफिकेशन बेल लाजमी ऑन करना ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्योंकि आप लोगों को पता है हमारा शॉपिफाई इंटरनेशनल का कोर्स चल रहा है, इधर मैं प्लेलिस्ट अटैच कर रहा हूँ शॉपिफाई इंटरनेशनल कोर्स 2024 के नाम से। आप प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाना, आपको मिल जाएगी, स्टेप बाय स्टेप आपका भाई लेके चल रहा है कि कैसे आपने इंटरनेशनल मार्केट में काम करना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं व्हाट इज पेमेंट गेटवे, पेमेंट गेटवे होता क्या, क्योंकि हमारे साथ काफी ज्यादा नई ऑडियंस भी जुड़ी है, उन्हें नहीं पता कि यार पेमेंट मेथड कैसे लगाना है, क्या होता है, ये क्या बातें कर रहे हो। अच्छा, पेमेंट गेटवे का मतलब ये है, आपने कोई भी अपनी वेबसाइट बिल्ड की है या आपका कोई भी स्टोर है या कुछ भी चीज है, आपने उसके साथ एक पेमेंट गेटवे लगाना होता है, चाहे वो क्रेडिट डेबिट कार्ड है, चाहे पेपाल है, कुछ भी हो सकता है। वो आप अटैच करोगे, कस्टमर आया आपकी वेबसाइट के ऊपर, उसने कोई भी प्रोडक्ट अगर बाय करनी है उसको अच्छी लगी, वो अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करेगा, नीचे आपने पेमेंट गेटवे लगाया हुआ है, पेमेंट मेथड लगाया हुआ है जिसके थ्रू आप पेमेंट लेना चाह रहे हो कस्टमर से, वो क्या करेगा, अपनी पेमेंट करेगा, पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो गए, सिंपल से आप अपने कस्टमर को प्रोडक्ट जो है वो भेज दोगे। एडवांस में आपके पास पेमेंट आ गई तो ये आप लोगों को, मेरे पास काफी ज्यादा क्वेरीज भी आती थी कि सामा भाई हमारे पास पैसा कैसे आएगा। तो होप करता हूँ कि आपको समझ लगी होगी कि पेमेंट गेटवे के थ्रू आपके पास पैसा आता है, आप कस्टमर से एडवांस में पेमेंट लेते हो, फिर आप अपने कस्टमर को प्रोडक्ट भेज देते हो। तो होप करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज पेमेंट गेटवे। अच्छा, इधर पेमेंट गेटवे की बात चल ही रही है तो मैं आपको एक चीज क्लियर करता चलूं, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेरीज आती है कि भाई अगर मैंने पाकिस्तान में काम करना है, यूके में काम करना है, कनाडा में काम करना है, तो क्या मैं कैश ऑन डिलीवरी पे काम कर सकता हूँ। तो भाई एक चीज अपने माइंड में सेट कर लो, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिधर अभी भी कैश ऑन डिलीवरी चलती है, मतलब अगर मैं यूएई की बात करूं तो यूएई में आज भी लोग सीओडी कैश ऑन डिलीवरी पे प्रोडक्ट मंगवाते हैं। अगर आप यूके की बात करो तो यूके में ये चीज नहीं चलती, उधर लोग एडवांस पेमेंट करते हैं, अपनी प्रोडक्ट मंगवा लेते हैं। यूएस की बात करूं, यूएस में भी सेम सिनेरियो है। कनाडा की बात करूं तो उधर भी आपने कस्टमर से एडवांस पेमेंट लेनी है, उसके बाद अपनी प्रोडक्ट भेज देनी है। काफी ज्यादा क्योंकि मेरे पास क्वेरीज आ रही थी कि भाई मैं यूके की मार्केट में काम कर रहा हूं, मैंने कैश ऑन डिलीवरी लगाया हुआ है मेरे पास, लेकिन ऑर्डर्स नहीं आ रहे, तो भाई ऑर्डर्स आएंगे कैसे? आप लोग उधर अपना पेमेंट गेटवे लगाओगे तो आपको ऑर्डर्स आएंगे, क्योंकि उधर लोग कैश ऑन डिलीवरी पे काम करते ही नहीं है। तो ये चीज अपने माइंड में क्लियर कर लो कि कुछ ऐसी कंट्रीज है जिधर कैश ऑन डिलीवरी अभी वर्क करता है, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, यूएई में कहीं ना कहीं, मतलब आज भी लोग जो हैं वो कैश ऑन डिलीवरी पे सीओडी पे प्रोडक्ट्स मंगवाते हैं। तो ये कुछ कंट्रीज हैं जिधर आप कैश ऑन डिलीवरी एक्टिव कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब यही नहीं है कि सिर्फ आपने कैश ऑन डिलीवरी ही लगाना है, आपने कोई और पेमेंट मेथड भी साथ में लगाना है, जैसे पेपाल यूज कर लो, यूएई में लोग पेपाल काफी ज्यादा यूज करते हैं। सेकंड नंबर पे अगर मैं बात करूं क्रेडिट डेबिट कार्ड, तो आप लोग वो भी लाजमी साथ लगाओ, ताकि इनकेस कोई बंदा अगर आ भी रहा है, अगर वो एडवांस में अगर पेमेंट कर रहा है तो देन आपको उसका फायदा ही है, आपको पैसा पहले मिल गया है और दैट्स इट, आपकी सारी की सारी टेंशन खत्म हो गई है। सो गाइस फाइनली अब हम लोग देख लेते हैं कि विच पेमेंट गेटवे इज बेस्ट फॉर इंटरनेशनल मार्केट, मैंने इंटरनेशनल मार्केट में काम करना है, कौन सा पेमेंट गेटवे मेरे लिए बेस्ट रहने वाला है। अच्छा, पहले नंबर पे अगर हम शॉपिफाई पे काम करें, कहीं पे भी काम करें, हमारे पास पेमेंट गेटवे की एक बहुत लंबी लिस्ट आ जाती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम सारे मुंह उठा के जो दिल करे वो उठा के लगा दें, जो आपके लिए बेस्ट है, जो आपको लग रहा है कि यार ये अच्छा है, ये मैं इजीली बना सकता हूं, ये मैं लगा देता हूं, ये गलती आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करनी। आप लोगों ने वो पेमेंट गेटवे चूज करना है जो कि उस कंट्री में, जिस कंट्री में आप काम कर रहे हो पॉपुलर है। मान के चलूं आप यूएई में काम कर रहे हो तो देन यूएई में वो पेमेंट गेटवे चूज करो जो उधर पॉपुलर है, लोगों के लिए उसको यूज करना इजी है। अच्छा, इधर मैं आप लोगों को एक टिप देता चलता हूं, कस्टमर पहले ही कंफ्यूज है, कस्टमर को नहीं पता कि आपकी वेबसाइट जो है ऑथेंटिक भी है, ब्रांडेड भी है। पहले नंबर पे तो आपने अपनी वेबसाइट इंटरनेशनल मार्केट में ऐसे डिजाइन करनी है कि कस्टमर को देख के लगे ना कि यार ये किसी अननोन बंदे की वेबसाइट है, समझ रहे हो ना। आपने ब्रांडेड वेबसाइट चूज करनी है, एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनानी है। कस्टमर ऑलरेडी कंफ्यूज है, उसको पहले नंबर पे तो उसने एडवांस पेमेंट करनी है, वो आपको क्यों करे पहले नंबर पे, मुझे ये बताओ। तो आप लोगों ने पहले नंबर पे कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड करना है एक ब्रांडेड वेबसाइट बना के,
सेकंड नंबर पे आपने पेमेंट गेटवे ऐसा चूज करना है कि कस्टमर के लिए वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो, कस्टमर के लिए उसके लिए काफी ज्यादा इजी हो। वो किस मामले में मैं बता रहा हूं, मैं आपको समझाता हूं। अब इन केस आप पेपाल यूज करते हो, पेपाल में क्या है, अगर कस्टमर पे कर रहा है आपको पेपाल के थ्रू, अगर उस कंट्री में आप काम यूएई में काम कर रहे हो, यूके में कर रहे हो, उधर पेपाल इजीली अवेलेबल है, पहले नंबर पे मैं बता रहा हूं, सही है। तो उसके थ्रू अगर पेपाल के थ्रू कस्टमर ने पेमेंट की है, तो कस्टमर अगर इन केस कल को कोई गलत प्रोडक्ट आप भेज देते हो, कोई टूटी हुई प्रोडक्ट भेज देते हो, या कोई ऐसी प्रोडक्ट भेज देते हो जो कस्टमर ने मंगवाई नहीं है, तो कस्टमर इजिली आपके साथ डिस्प्यूट फाइल करके अपनी पेमेंट जो है वो रिफंड करवा सकता है। तो कस्टमर की आप लोगों ने सहूलत देखनी है, आपने देखना है कि कस्टमर के लिए कौन सी चीज ईजी रह रही है, कस्टमर किस पेमेंट गेटवे के साथ कंफर्टेबल फील कर रहा है, तो आप लोगों ने हमेशा वो पेमेंट गेटवे चूज करना है। तो सेकंड नंबर पे अगर मैं बात करूं क्रेडिट डेबिट कार्ड की, तो अगर आप लोग वो चूज करते हो तो कस्टमर क्या करेगा, अपने बैंक के थ्रू अपना रिफंड करवा सकता है अगर आप कोई गलत चीज भेज देते हो। तो आप लोगों ने हमेशा वो पेमेंट गेटवे लगाना है जो कि मोस्ट पॉपुलर है, मार्केट में लोग उसको यूज कर रहे हैं और उनके लिए रिफंड लेना इजी चीज है। ये चीज कंफर्म होगी क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में ये चीजें नहीं चलती, आपने गलत चीज भेज दिया है या जो भी, आप लोग दो नंबर ही कर लो और आपका पैसा आपको वापस नहीं आएगा। वो लोग क्या करते हैं, अपना डिस्प्यूट फाइल करके अपना जो है रिफंड मंगवा लेते हैं, पेपाल के थ्रू भी पेमेंट आ जाती है वापस और क्रेडिट डेबिट कार्ड के थ्रू भी आ जाती है। तो आप लोगों ने मोस्ट पॉपुलर गेटवे ही यूज करने हैं जिस मार्केट में भी काम कर रहे हो। आगे चलकर डिटेल से मैं बताऊंगा यूएई में अगर काम कर रहे हो तो कौन सा पेमेंट गेटवे बेस्ट है, यूके में काम कर रहे हो तो कौन सा पेमेंट गेटवे बेस्ट है, यूएस में काम कर रहे हो तो कौन सा पेमेंट गेटवे बेस्ट रहने वाला है, कनाडा में करना है तो कौन सा पेमेंट गेटवे बेस्ट रहेगा। सारी कंट्रीज को मैं कवर करूंगा, आप लोगों ने बस मेरे साथ एंड तक जुड़े रहना है। सो गाइस, लिस्ट में हमारे पास पहले नंबर पे जो मैंने पेमेंट गेटवे रखा है वो है पेपाल। पेपाल को आप लोग यूज कर सकते हो अपनी पेमेंट्स रिसीव करने के लिए, इंटरनेशनली किसी भी मुल्क में बैठे हो आप पेपाल इजिली अवेलेबल है। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान में ऑफिशियली आप लोग पेपाल अकाउंट नहीं बना सकते अनफॉर्चुनेटली, लेकिन उसका मैं आपको अल्टरनेटिव बता दूंगा, आपने टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, अगर आप लोगों ने शॉपिफाई के साथ अपना पेपाल अटैच करना है तो उसके लिए आपके पास पेपाल का बिजनेस अकाउंट होना जरूरी है। दोबारा सुन लो, बिजनेस अकाउंट आपके पास होना जरूरी है। आपने क्या करना है, पाकिस्तान में तो अवेलेबल नहीं है, ना ही बना सकते हो, आप लोगों ने आपका कोई दोस्त रिश्तेदार जाने वाला कोई भी बाहर बैठा हुआ है ना किसी मुल्क में, यार होता है किसी ना किसी का कोई ना कोई होता है, आपने उसको रिक्वेस्ट करनी है कि भाई मुझे बिजनेस अकाउंट क्रिएट कर दो पेपाल का, उसको आपने अपने शॉपिफाई के साथ अटैच कर लेना है और अपनी पेमेंट्स जो है वो रिसीव कर लेनी है, इजीली आपका काम चल जाएगा। लेकिन आप लोगों ने इधर एक चीज का ध्यान रखना है, आपने उस पेपाल अकाउंट को पाकिस्तान में कभी भी लॉगिन नहीं करना। काफी ज्यादा लोग यार बेवकूफी करते हैं कि यार वो मैं पाकिस्तान में लॉगिन कर लेता हूं, मैं देख लेता हूं क्या मामला है। अगर आप उसको लॉगिन करोगे तो वो आपका अकाउंट जो है वो उठ जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, बहुत ज्यादा मामला आपको देखने को मिलेंगे। सो आपके लिए एक टिप है, आप लोगों ने पाकिस्तान में उसे लॉगिन नहीं करना, आपको जो भी जाने वाला उसको आप बोल दो, वो सारी चीजें उधर से हैंडल कर लेगा। अच्छा, अब कुछ लोग ऐसे भी आएंगे कि भाई मेरा कोई दोस्त इस तरह जाने वाला नहीं है, तो मुझे वो सोल्यूशन बताओ मैं कैसे पेपाल पाकिस्तान में यूज करूं। अच्छा, आपने क्या करना है, सिंपल से अपनी यूके में या यूएस में कंपनी रजिस्टर्ड करवा लेनी है। पीछे मैं आपको बता चुका हूं कैसे आपने करवानी है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। उस कंपनी की बेसिस पे आप लोग अपना पेपाल बिजनेस अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। उस पेपाल बिजनेस अकाउंट को क्रिएट करने के बाद आपने क्या करना है, अपने शॉपिफाई के साथ कनेक्ट करके पेमेंट ले लेनी है। अब दोबारा क्वेश्चन वही आता है कि मैं पाकिस्तान में लॉगिन कैसे करूंगा। आप वीपीएस यूज कर सकते हो, वीपीएन यूज कर सकते हो, लेकिन आपने पेड सर्विसेज की तरफ जाना है, फ्री की तरफ नहीं जाना, फिर कल को मुझे ना बोलना कि दोबारा मेरा अकाउंट सस्पेंड हो गया। अब पेपाल में भी काफी ज्यादा आगे चलकर आपको डिसएडवांटेजेस देखने को मिल जाते हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। ये तो मैंने आपको एडवांटेज बता दिया ना कि पेपाल का क्या है, आप किसी भी मुल्क में उसको यूज कर सकते हो। अब डिसएडवांटेज भी कुछ है कि पेपाल के जरिए आप लोग, जैसा कि मैं पीछे आपको बताया, अगर कस्टमर ने आपको पेमेंट की है पेपाल के थ्रू, आपने कोई गलत चीज भेज दिया या टूटी हुई चीज भेजी या जो चीज आपने दिखाई है वो नहीं भेजी, तो वो क्या करेगा, पेपाल के साथ डिस्प्यूट फाइल करके अपनी पेमेंट को रिफंड करवा लेगा। पहली चीज तो ये होगी। अगर आपके यार कोई 10, 12 या 50 रिफंड भी आते हैं तो आपने टेंशन नहीं लेनी, आपका पेपाल जो है वो बैन नहीं होगा, क्योंकि पेपाल के केसेस में ऐसा होता है, हमें देखने को मिलता है कि हम उसके साथ सारा नेगोशिएट करके अपने अकाउंट को सेफली रन कर सकते हैं। बाकी अकाउंट्स में आगे चल के मैं बताऊंगा, ये मामला आपको देखने को नहीं मिलते। अकाउंट आपका 1% रिफंड होता है, चलो भी आपका अकाउंट उड़ा के साइड पे करते हैं, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, लेकिन पेपाल के केसेस में ऐसा नहीं है। सो आपने मेक श्योर करना है आप लोग पेपाल को यूज करो, किसी भी मुल्क में अगर आप काम करो बेस्ट पेमेंट गेटवे रहने वाला है। पाकिस्तानियों के लिए भी मैंने बता दिया, और अगर आप डिफरेंट कंट्रीज में यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया कहीं पे भी काम कर रहे हो, यूएई में, दुबई में काम कर रहे हो, तो आप पेपाल यूज करके बिजनेस अकाउंट कनेक्ट करना है और अपनी पेमेंट जो है वो रिसीव कर सकते हो। अच्छा, सेकंड नंबर पे इधर जो मैंने पेमेंट गेटवे रखा है वो है स्ट्राइप। आप स्ट्राइप को यूज कर सकते हो, काफी ज्यादा इधर हाइप क्रिएट है पाकिस्तान में, आप स्ट्राइप बना लो, ये कर लो, वो कर लो,
भाई नहीं बना सकते, स्ट्राइप पाकिस्तान में अवेलेबल ही नहीं है, आप कैसे बनाओगे। अच्छा इधर कुछ लोग मेरे पास आते हैं कि उसामा भाई वो एक फला बंदा बाय उससे कर लूं स्ट्राइप वगैरह, वो कह रहा है कि हर चीज ऑथेंटिक है, ओके हर चीज मामला है, वेरीफाइड है, कंपनी की डिटेल सारा कुछ है, आप स्ट्राइप में उससे बाय कर लूं। तो भाई मैं आपको कह गया कि थक गया हूं, आप कभी भी किसी ऐसे बंदे से बाय ना करो, अगर आप करोगे महीना डेढ़ महीना दो महीना चलेगा, वो एट द एंड आपका अकाउंट जो है वो डिसेबल हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा, फिर आप आके मुझे बोलोगे कि भाई मुझे ये मसला आ रहा है। सो ऑफिशियली तो बन नहीं सकता। इसका एक सेकंड अल्टरनेटिव मैं आपको बता देता हूँ, आपने अपनी कंपनी स्टार्ट करवा लेनी है यूएसए यूके में, और उस कंपनी की बेसिस पे आप लोग अपना स्ट्राइप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। लेकिन स्ट्राइप में आगे चलकर काफी ज्यादा आपको मसले मसाइल देखने को मिलते हैं। देखने में बहुत ज्यादा इजी चीज लगती है कि यार स्ट्राइप अकाउंट बना लूंगा मैं यूएसए यूके की कंपनी स्टार्ट करवा के एलएलसी एलटीडी बेसिस पे, तो उसके बाद अपना काम चला लूंगा। नहीं भाई, आपको स्ट्राइप से पेमेंट लेने के लिए पाकिस्तान में अगर मैं बात करूं अपना वाइज अकाउंट कनेक्ट करना पड़ता है। वाइज का बिजनेस अकाउंट की मैं बात कर रहा हूं, उस वाइज के बिजनेस अकाउंट को आप लोग अपने पेओनियर के साथ अटैच करते हो, फिर जाके आप पाकिस्तान में जाकर अपना पैसा निकलवा सकते हो। तो इतने ज्यादा झंझट पड़े हुए हैं कि पेमेंट इधर से उठा के उधर करनी है, उधर से उठा के उधर करनी है, तो इसमें काफी ज्यादा ट्रांजेक्शन फीस भी लग जाती है। तो ये मामला आपको देखने को मिलते हैं स्ट्राइप के केसेस में। और आप लोग वैसे मैं आपको बता चुका हूँ, इजिली आप पाकिस्तान में नहीं बना सकते, स्ट्राइप अवेलेबल नहीं है। और स्ट्राइप में आप लोगों को एक डिसएडवांटेज ये भी देखने को मिलता है कि स्ट्राइप कुछ क्रेडिट और डेबिट कार्ड जो है उनसे पेमेंट जो है एक्सेप्ट नहीं करता। काफी ज्यादा ऐसे कार्ड आपको देखने को मिलेंगे जो कि स्ट्राइप जो है एक्सेप्ट नहीं करता। एक और डिसएडवांटेज ये भी है कि आपको 5 से 6 अगर चार्ज बैक पड़ जाते हैं स्ट्राइप अकाउंट पे, तो आपका स्ट्राइप अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं, कोई भी आपको नहीं बताएगा, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमने ऑलरेडी ये चीजें एक्सपीरियंस कर चुके हैं। तो स्ट्राइप के साथ अगर जा रहे हो तो ये चीजें आप लोगों ने मेक श्योर लाजमी करनी है, अपने माइंड में बिठा के रखनी है। अब ये जो शॉपिफाई पेमेंट्स है ना, ये कुछ कंट्रीज में सिर्फ और सिर्फ अवेलेबल है। इधर आपको साइड पे मेरी मोबाइल स्क्रीन या इधर साइड पे आप लोगों को एक लिस्ट शो रही होगी कंट्रीज की, अगर आप इन कंट्रीज के साथ जाते हो तो देन आप शॉपिफाई पेमेंट्स को यूज कर सकते हो। आप यूएसए में काम करना चाह रहे हो, यूके में काम करना चाह रहे हो, कनाडा में काम करना चाह रहे हो, या जितनी भी इधर लिस्ट आपको शो हो रही है, इन कंट्रीज में अगर आप काम करना चाह रहे हो ना पाकिस्तान में बैठ के या इन कंट्रीज में बैठ के, देन आप शॉपिफाई पेमेंट्स मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप इसको यूज करो, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। अगर पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं या किसी भी कंट्री में अगर आप इसको एक्टिव करना चाह रहे हो, तो आपको कुछ चीजें रिक्वायर्ड होती है, हर कंट्री की अलग रिक्वायरमेंट है। लेकिन पाकिस्तानियों के लिए मैं बता दूं, आपने एलएलसी आपके पास लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने शॉपिफाई पेमेंट्स अटैच करना है अपने यूएसए अकाउंट पे या यूके के आप कंट्री में अपना शॉपिफाई अकाउंट जो है रन कर रहे हो, आपको ईआईएन नंबर होता है, एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, आईटीआई नंबर, ये कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं जब आप शॉपिफाई पेमेंट्स एक्टिव करते हो। आप उनको जब दोगे आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होगी यूएसए में, देन आप लोग उस बेसिस पे अपने शॉपिफाई पेमेंट्स जो है वो एक्टिव कर लोगे। उसके बाद मेन जो प्रॉब्लम आएगी वो आपको बैंक अकाउंट की आएगी, कि आपके पास उस कंट्री का बैंक अकाउंट भी होना चाहिए। अब उसका मैं आपको एक सलूशन बता देता हूं, आप लोगों ने पेओनियर का अकाउंट बिजनेस अकाउंट ओपन कर लेना है, उस पर आप लोगों को काफी ज्यादा कंट्रीज के बैंक अकाउंट मिलते हैं, यूएसए का भी मिल जाता है, यूके का भी मिल जाता है, कनाडा का भी मिल जाता है, ऑस्ट्रेलिया का भी मिल जाता है, काफी ज्यादा आपको बैंक अकाउंट्स मिलते हैं। आप उसकी डिटेल्स उठा के पेओनियर से जाकर आप उधर लगा सकते हो। अभी मैं आपको एक प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, मेरे पास स्टोर है जिसपे हम लोगों ने अपना शॉपिफाई पेमेंट्स अटैच किया हुआ है, मैं आपको उसके सारे के सारा स्नैरियो शो करवाता हूँ। सो गाइस स्क्रीन पर आप लोग जैसे कि देख सकते हो, ये शॉपिफाई पेमेंट्स है जो कि ऑफिशियल शॉपिफाई की तरफ से आता है। ये मैंने इधर एक अपने अकाउंट पे कनेक्ट ऑलरेडी करके रखा हुआ है ताकि आप लोगों को शो करवाऊं मैं। ये जो है अकाउंट आप लोग नीचे देखो, पे आउट अकाउंट भी लगा हुआ है नीचे, ये चेक करो बैंक अकाउंट लगा हुआ है किधर का, ये लगा हुआ है, सही है। उसके बाद आप लोग नीचे इधर पेपाल भी अटैच कर सकते हो, लेकिन अभी मैं उसकी तरफ नहीं जा रहा। नीचे आप लोग ऊपर देखो मैनेज पे आप लोग क्लिक करोगे, अब इस शॉपिफाई पेमेंट्स में आप लोगों को नीचे अगर मैं स्क्रॉल करके दिखाऊं, ये सारे के सारे कार्ड्स अवेलेबल हैं, इनके थ्रू आप कस्टमर से पेमेंट ले सकते हो। वीजा कार्ड है, मास्टर है, अमेरिकन है, डिस्कवर है, डाइनर है, ये सारे के सारे पेमेंट गेटवे के थ्रू आप कस्टमर से पेमेंट ले सकते हो। मोस्टली आपको पता है वीजा कार्ड चलता है, मास्टर कार्ड चलता है, क्रेडिट डेबिट कार्ड ही चलते हैं, तो इनके तो आप पेमेंट ले सकते हो। उसके अलावा नीचे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये चेक करो शॉप पे भी आ जाता है, ये मैंने अभी डिसेबल किया हुआ है क्योंकि मैं ये ज्यादा चलता नहीं है। उसके अलावा नीचे मैं स्क्रॉल करूं तो इधर एप्पल पे है, एप्पल पे के थ्रू भी आप कस्टमर से पेमेंट ले सकते हो, गूगल पे के थ्रू भी ले सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको किधर देखने को मिल रही है, शॉपिफाई पेमेंट्स में, अगर आप शॉपिफाई पेमेंट्स को एक्टिव करते हो। अगेन बता रहा हूं शॉपिफाई पेमेंट्स जो है ये कुछ कंट्रीज में सिर्फ आप लोगों को अवेलेबल है। इधर अगेन से लिस्ट दिखा रहा हूं मैं आप लोगों, अगर आप इन कंट्रीज में बैठे हो या इन कंट्रीज में काम करना चाह रहे हो, देन आप लोग शॉपिफाई पेमेंट्स को यूज कर सकते हो। इधर मैं आपको दोबारा से नीचे आपको दिखा दूं, ये चेक करो हमने ये पे आउट अकाउंट लगाया हुआ है,
आप लोगों को अगर पे आउट पाकिस्तान में बैठे हो तो आप लोगों को ये एक प्रॉब्लम आएगी आपके पास उस कंट्री का, लेट से यूएस में आप लोगों ने Shopify पेमेंट एक्टिव किया है तो आपके पास यूएस का अकाउंट नहीं होगा। तो देन मैं आपको बता रहा हूं आपने इधर आना है पेओनियर के ऊपर, पेओनियर के ऊपर आके आपने अपना बिजनेस अकाउंट एक्टिव कर लेना है और इधर आपको जो है वो सारे के सारे बैंक्स देखने को मिल जाते हैं, आप उनको यूज कर सकते हो। सो गाइस इसी के साथ लिस्ट में बढ़ते अपने नेक्स्ट पेमेंट गेटवे की तरफ, वो है जीना ZIINA। ये जो पेमेंट गेटवे अगर आप स्पेसिफिकली यूएई में काम कर रहे हो तो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट रहने वाला है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि यूएई में अगर आप काम कर रहे हो आपने कैश ऑन डिलीवरी पे ही काम करना है, आप कैश ऑन डिलीवरी के साथ जीना भी यूज कर सकते हो, इसके अलावा पेपाल भी यूज कर सकते हो, क्योंकि काफी ज्यादा कस्टमर आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो आपको एडवांस में पे कर देंगे इजीली। आपकी अगर वेबसाइट अच्छी बनी हुई है, प्रोफेशनली ब्रांडेड वेबसाइट शो हो रही है, कस्टमर आपको एडवांस पेमेंट दे देंगे। लेकिन यूएई की मार्केट में मैं आपको दोबारा से बता दूं कैश ऑन डिलीवरी अभी भी चलती है। आपने तीनों गेटवे लगाने हैं, कैश ऑन डिलीवरी भी लगाना है, जीना भी लगा लेना है, उसके अलावा आपने पेपाल भी यूज करना है। अब इधर आपको मैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर लेके आता हूं, इधर आप लोग देखो ये वेबसाइट है इसकी zina.com, इधर आपने आ जाना है, बिल्कुल फ्री है। आप लोग ऊपर पेमेंट गेटवे के ऊपर क्लिक करना है, ये जो चीज है ना थर्ड नंबर पे, पर्सनल बिजनेस की तरफ नहीं जाना, पेमेंट गेटवे के ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों ने साइन अप फॉर फ्री के ऊपर क्लिक करके अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट कर लेना है। इसके अलावा आप लोग जीना की जो एप्लीकेशन है वो भी इंस्टॉल कर सकते हो, उधर भी जाके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। अकाउंट क्रिएट करने में आपको दो चीजें रिक्वायर्ड है, पहले नंबर पे आपको यूएई का एक नंबर चाहिए, आप लोग का दो रिश्तेदार जाने वाला है आप उससे ले सकते हो यूएई का नंबर, या फिजिकली भी बाय कर सकते हो पाकिस्तान में। सेकंड नंबर पे आपके पास एमिरेट आईडी होनी चाहिए, आपका कोई जानने वाला है आप उसे एमिरेट आईडी लेकर या उसी को बोल दो कि भाई एमिरेट आईडी पे अपना नंबर लगा के मेरा जीना का अकाउंट क्रिएट कर दे, तो देन आपने उसको ये तरीका बता देना है कि पेमेंट गेटवे में जाके आपने अकाउंट क्रिएट करना है, तो वो आपको सिंपल से अकाउंट क्रिएट करके दे देगा, आपने उसको एक्टिव कर लेना है। या आप अगर यूएई में बैठे हो तो देन आप खुद भी कर सकते हो। सो ये एक सिंपल सा तरीका है आप लोग अगर यूएई की मार्केट में काम कर रहे हो। तो इसी के साथ लिस्ट में बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पेमेंट गेटवे की तरफ, वो है पे टैब। अब ये जो पेमेंट गेटवे मैंने रखा है ये मैंने यूएई के हिसाब से भी रखा है और सऊदीया के हिसाब से भी रखा है और इसके अलावा और भी काफी ज्यादा कंट्रीज है, मैं आपको अभी सारी लिस्ट शो करवाता हूँ। सो इधर आप लोग लैपटॉप स्क्रीन पर अगर चेक करो ये पे टैब की ऑफिशियल वेबसाइट है, आपने आ जाना है site.paytabs.com पे आके, इधर आप लोग अगर ग्लोबल के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको सारी की सारी नीचे लोकेशन शो देंगी कि किधर किधर आप इसको यूज कर सकते हो। पहले कैसे सऊदीया में, सेकंड नंबर पे यूएई दुबई में, इजिप्ट में यूज कर सकते हो, इराक में यूज कर सकते हो, जॉर्डन में यूज कर सकते हो, कुवैत में बैठे हो आप, ओमान में बैठे हो, पैलेस्टाइन में बैठे हो, आप लोग अगर इन कंट्रीज में काम कर रहे हो या करना चाह रहे हो तो आप इस पेमेंट गेटवे को यूज कर सकते हो। सिंपल से अकाउंट करने का तरीका क्या है, आपने इधर साइन अप और लॉग इन के ऊपर आना है, उसके बाद आप लोगों ने पे टैप पेमेंट्स आएगा, उसके अलावा सोशल कॉमर्स आएगा, आपने सोशल कॉमर्स पे जाके साइन अप कर लेना है और अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। सिंपल से आप लोग अगर इन कंट्रीज में काम करना चाह रहे हो तो इस पेमेंट गेटवे को आप यूज कर सकते हो, बहुत ही ऑथेंटिक बहुत अच्छा पेमेंट गेटवे है। सो गाइस इसी के साथ नेक्स्ट बढ़ते हैं पेमेंट गेटवे की तरफ, वो है टू चेकआउट। काफी ज्यादा पॉपुलर है पाकिस्तान में, लोग काफी ज्यादा यूट्यूबर्स को आपको देखने को मिला होगा कि भाई टू चेकआउट यूज कर लो, आप उसके थ्रू पेमेंट ले सकते हो, लेकिन आपको कुछ उसके बारे में ड्रॉबैक्स हैं वो कोई भी नहीं बताता। पहले नंबर पे अगर आप पाकिस्तान में बैठ के टू चेकआउट तो ऑफिशियली बना सकते हो, ये चीज तो मैं आपको क्लियर कर दूं, बना सकते हो इजिली, लेकिन आपको अकाउंट इजिली नहीं मिलता, उसके लिए आपको काफी ज्यादा धक्के खाने पड़ते हैं। पहले नंबर पे टू चेकआउट वाले ऐसे ही इजिली आपको अकाउंट की एक्सेस नहीं दे देते, आपको अकाउंट नहीं दे देते, वो बोलते हैं आप अपनी वेबसाइट शो करो। आपकी वेबसाइट है वो एक प्रॉपर बनी होनी चाहिए, उस पे जो पेजेस होते हैं पॉलिसी पेजेस की अगर मैं बात करूं, रिफंड पॉलिसी आपकी प्रॉपर बनी होगी फिर ही वो आपको अकाउंट बना के देंगे, अप्रूव करेंगे। सेकंड नंबर पे अब वो ये चीज भी बोल रहे हैं कि अपनी लास्ट 6 मंथ की अपनी अर्निंग शो करवाओ फिर ही हम आपको अकाउंट जो देंगे। सो अगर आपका ब्रांड है या आपकी कोई वेबसाइट इतनी मतलब की काबिल है, आपने लास्ट 6 मंथ में कुछ सेल जनरेट की हुई है, देन आप उसको शो करवा के अपना टू चेकआउट का अकाउंट पाकिस्तान में बना सकते हो। लेकिन अगेन बता रहा हूं ये इतना इजी प्रोसेस नहीं है, आपकी वेबसाइट एक प्रॉपर बनी होनी चाहिए। और सेकंड नंबर पे इधर मुझे एक ड्रॉबैक देखने को मिलता है टू चेकआउट में, मैं आपको बताता हूं। नॉर्मली अगर हम देखें Shopify पे हमने अपना एक पेज बनाया हुआ है जिसपे कस्टमर को हम प्रोडक्ट शो करवाते हैं, पहला पेज हो गया, कस्टमर उस प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करके जाता है, अपनी प्रोडक्ट की डिटेल डालता है, सॉरी अपनी इंफॉर्मेशन डालता है, दूसरा पेज हो गया चेकआउट पे जाता है, तीसरा पेज हो गया, और ये 3-4 पेजेस आपको देखने को मिलते हैं पेमेंट के प्रोसेस की तरफ। मैं अगर जाऊं, अगर आप टू चेकआउट को अटैच कर लेते हो तो आपको 2 एक्स्ट्रा पेजेस फिल करने पड़ते हैं कस्टमर को, क्योंकि आपने टू चेकआउट यूज किया हुआ है। तो ये एक मुझे ड्रॉबैक लगा है कि तकरीबन 6 पेजेस का हमारा जो है ना प्रोसेसिंग चली जाती है अगर हम टू चेकआउट का पेमेंट गेटवे लगा रहे हैं। कस्टमर वैसे ही आपको पता है इतना लंबा प्रोसेसिंग नहीं करता, वो कहता है बस एक क्लिक को ऑर्डर आ जाए और हम अपने मदों के प्रोडक्ट मंगवा लें।
तो ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाता है। अगर आप टू चेकआउट के साथ जाते हो आपको ये कुछ ड्रॉबैक देखने को मिलता है। अगेन से टू चेकआउट की एक और मैं चीज ऐड करता चलूं, इधर 1% आपको रिफंड देखने को मिलता है। अगर आपने कोई गलत चीज भेज दी, कुछ तरह के मामला हो गए हैं, अगर आपका रिफंड पड़ गया है 1% आपको सिर्फ देखने को मिलता है। अगर आपका ज्यादा इस तरह का सीन है तो देन आपका टू चेकआउट का अकाउंट क्लोज कर दिया जाता है, डिसेबल कर देते हैं, बंद कर देते हैं। उसके अलावा इसकी फीसिस काफी ज्यादा हाई देखने को मिलती है हमें, ट्रांजैक्शन फीस की अगर मैं बात करूं। उसके बाद अगर जब आप विड्रॉ करते हो तो तब आपको काफी ज्यादा प्राइस हाई देखने को मिलती है। तो ये सारे मामला था अगर आप टू चेकआउट के साथ जा रहे हो। पाकिस्तान में इजीली बना सकते हो, अगर आप जाना चाहो तो जा सकते हो, बट ये कुछ ड्रॉबैक्स थे, मैंने कहा आपके साथ लाजम से शेयर करता चलो। स्क्रिल पे बात कर लेते हैं, अगेन से मैं आऊंगा स्क्रिल पे। आप लोग पाकिस्तान में इसका अकाउंट या स्क्रिल का नहीं क्रिएट कर सकते। अगर इन केस आप लोग कहीं से बनवा लेते हो या कहीं से बना लेते हो तो उसमें आपको एक ड्रॉबैक ये देखने को मिलता है, अगर आपने कनेक्ट कर लिया अपने शॉपिफाई के साथ, अपने पेमेंट गेटवे लगा लिया, उसके बाद ये क्या करता है, ये कस्टमर को बोलता है कि पहले भाई अपना अकाउंट क्रिएट करो फिर आके इधर पेमेंट करना। तो ये आपको एक ड्रॉबैक देखने को मिलेगा स्किल के केस में, अगर आप स्किल के साथ जा रहे हो। बाकी अगर किसी कंट्री में अवेलेबल है आप उसका अकाउंट क्रिएट करो सिंपल से, उसको कनेक्ट करके अपनी पेमेंट गेटवेज के थ्रू अपनी पेमेंट ले सकते हो। आपने शॉपिफाई अकाउंट के साथ कोई भी पेमेंट गेटवे अटैच करना है, सिंपल सा तरीका है। आपको किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, आपने सिंपल से अपनी शॉपिफाई अकाउंट में लॉगिन हो जाना है। नेक्स्ट आप लोगों ने ये जो पेमेंट्स है ना लेफ्ट साइड पे लिखा पेमेंट्स पे आ जाना है। पहले नंबर पे आ रहा है पेमेंट प्रोवाइडर्स, आप इधर क्लिक करोगे, चूज ए प्रोवाइडर पे क्लिक करोगे। आपने जिस भी कंट्री में अपना शॉपिफाई अकाउंट खोला हुआ है, अब ये जो अकाउंट है ये मेरा दुबई का खुला हुआ है, तो इधर आप लोग क्या करोगे, ऊपर सर्च करोगे, लेट्स से मैं स्ट्राइप कनेक्ट करना चाह रहा हूं तो मैं इधर लिखूंगा स्ट्राइप, तो ये चेक करो नीचे स्ट्राइप आ गया। आपने स्ट्राइप को कनेक्ट कैसे करना है, इधर आपने क्लिक कर लेना है इसके ऊपर, कोई भी लगा रहे हो सेम तरीका है, मैं आपको बस समझा रहा हूं, एक करके दिखा दूंगा, बाकी आप लोगों ने अपने हिसाब से सारे कनेक्ट कर लेने हैं। अब इसने मुझे रीडायरेक्ट कर दिया स्ट्राइप की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। अब ये मुझे क्या कह रहा है, अपना स्ट्राइप का अकाउंट लॉगिन करो। अब जैसे आप लोग इधर अपना स्ट्राइप का अकाउंट लॉगिन करोगे तो ये ऑटोमेटिकली अपने शॉपिफाई के साथ कनेक्ट हो जाएगा, बहुत सिंपल सी चीज है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा इधर ये चेक करो नीचे पेपाल है, आपने इधर एक्टिवेट पेपाल के ऊपर क्लिक करना है, और जैसे आप लोग इस पे क्लिक करोगे तो उसके बाद आपने इधर एक्टिवेट का बटन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है, ये आपको दोबारा से रीडायरेक्ट कर रहा है पेपाल की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। आपने पेपाल की वेबसाइट पे जाके अपना बिजनेस अकाउंट या वो लॉगिन कर लेना है। पाकिस्तान में बैठे हो तो अगेन से बता रहा हूं पाकिस्तानी लोकेशन पे नहीं करना, पाकिस्तानी आईपी पे नहीं करना, बैन करवा के बैठ जाओगे। तो इधर से अपना ईमेल पासवर्ड देके लॉगिन कर लो, ये कनेक्ट हो जाएगा आपके शॉपिफाई के साथ। अच्छा ये भी चीज क्लियर होगी। उसके बाद इधर से मैं एक बार बैक आ जाता हूँ, शॉपिफाई पेमेंट्स का इधर ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, क्यों, क्योंकि मैंने ये जो अकाउंट शॉपिफाई का बनाया हुआ है ना ये मैंने दुबई में बनाया हुआ है, यूएई मार्केट में बनाया हुआ है, उधर शॉपिफाई पेमेंट्स आपको पता अवेलेबल नहीं है। अगर आप यूएसए यूके में कनाडा में कहीं पे भी बनाया ना अपने अकाउंट, आपको इधर टॉप पे शॉपिफाई पेमेंट्स देखने को मिल जाएगा, जैसे मैंने पीछे आपको दिखाया है अकाउंट अपना लॉगिन करके। अच्छा उसके बाद आपने अगर कोई और पेमेंट गेटवे लगाना है, आपने ऐड पेमेंट मेथड के ऊपर आना है, इधर क्लिक करना है, सर्च बाय प्रोवाइडर भी कर सकते हो, सर्च बाय पेमेंट मेथड भी कर सकते हो। लेट्स से सर्च बाय प्रोवाइडर पे आता हूं, इधर मैं क्लिक करूंगा, आप लोगों ने कोई भी पेमेंट मेथड इधर सर्च कर लेना है। लेट्स से इधर मैं ए बी सी कुछ भी लिखता हूं, ये चेक करो टू एडवांस आ गया, एयर पे आ गया, बिट पे आ गया, चेकआउट आ गया, इस तरह आपको सारे के सारे देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि इधर मैं इधर टू चेकआउट अगर सर्च करूं तो ये चेक करें टू चेकआउट भी मिल गया, मतलब यूएई में भी आप टू चेकआउट यूज कर सकते हो। तो ये चीजें हैं, आपने सिंपल से क्लिक करना है, ये आपको रीडायरेक्ट करेगा ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, आपने उनको लॉग इन करना है और ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, बहुत सिंपल सी चीज है। उसके अलावा अगर आप लोग कुछ मैनुअली भी कनेक्ट करना चाह रहे हो कोई चीज, जैसे कुछ लोग पाकिस्तान में बोलेंगे मैंने इजी पैसा जायज कैश सादा पे लगाना है या अपना पाकिस्तानी बैंक अकाउंट लगाना है, क्योंकि इधर आप लोग इंटीग्रेट तो नहीं कर सकते ऑफिशियली लेकिन मैनुअली तो लगा सकते हो ना, तो उसके लिए आपने नीचे आ जाना है, इधर ये चेक करो मैनुअल लिखा हुआ है मैनुअल पेमेंट मेथड्स, आपने इधर क्लिक करना है, ये मैंने कैश ऑन डिलीवरी ऑलरेडी एक्टिव किया हुआ है, आपने मैनुअल पेमेंट मेथड पे क्लिक करना है, आपको ऑप्शन मिलेंगे, आपने क्रिएट कस्टम पेमेंट मेथड करना है, बैंक डिपॉजिट करना है, मनी ऑर्डर करना है, आप लोग इनको चूज करो। लेट्स से मैं बैंक डिपॉजिट वाला अकाउंट जो है वो लगाना चाह रहा हूं मैनुअल पेमेंट मेथड पे, इसको मैं क्लिक करूंगा, एडिशनल पेमेंट डिटेल में आपने अपने बैंक की डिटेल डाल देनी है, ये मेरा बैंक का अकाउंट नंबर है, ये आईबीएन है, ये नाम है, ये सारी चीजें आपने दे देनी है। पेमेंट इंस्ट्रक्शन में लिख देना है कि भाई आपने पेमेंट करने के बाद उसके पेमेंट की रिसिप्ट मुझे भेज देनी है इस नंबर पे, या ये वो जो भी इंस्ट्रक्शन आप देना चाह रहे हो। उसके बाद एक्टिवेट पे क्लिक करना है तो ये आपके अकाउंट पे एक्टिव हो जाएगा, लेकिन ये तरीका सारा मैनुअल है, आपको सारी चीजें मैनुअल देखने को
करनी पड़ेंगी, आपको नहीं पता चलेगा मेरे कस्टमर ने पेमेंट की है या नहीं की, आपको सारी चीजें जो है वो मैनुअली करनी पड़ेंगी। तो ये चीज है, मैंने कहा ये भी इधर ऐड करता चलूं ताकि अगर कोई बंदा ये चीज करना चाह रहा है तो वो कर सकता है। सो ये थी हमारी आज की वीडियो, काफी ज्यादा लंबी हो गई है मुझे पता है। सो वीडियो कैसी लगी है लास्ट में कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, आज के इतना ही, अल्लाह हाफिज।